तहरीक इंसाफ महंगाई लाकानूनियत और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज एहतजाजी मुजाहरा करेगी। मुलगीर एहतजाज के लिए कारकुनों को सड़कों पर आने की कॉल दे दी गई। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में महंगाई, टैक्सों और बिजली बिलों के खिलाफ धरने का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक, एहतजाजी सूरत हाल से निपटने के लिए डी चौक और दीगर मकाम पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स रख दिए। मुख्तलिफ शाहराओं पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को आज एहतजाज की इजाजत से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिले इंतजामिया को पीटीआई के साथ दो घंटे में मुशावरत का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म दिया कि आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे तक आगाह करें। समाअत के दौरान स्टेट काउंसिल ने कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, शहरियों की हिफाजत के लिए इस वक्त किसी को कोई इजाजत नहीं मिल सकती। पीटीआई वकील ने कहा कि हमने जलसे की दरख्वास्त दी थी, एनओसी देने के बाद मंसूख किया गया, पूरा हमने एहतजाज करना चाहते हैं जो हमारा आईनी हक है। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में किसी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात। महकमा दाखिला ने भी पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 26 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा। ऑपोजिशन क्यों भूख हड़ताल कर रही है, शेरी रहमान का सवाल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा ऑपोजिशन ने महाजराई का माहौल बना रखा है। ऑपोजिशन कहती है हम हैं तो सब ठीक है, हम नहीं तो इलेक्शन भी ठीक नहीं। वो चाहते हैं हमें खुली छूट हो, कानून से बालातर हो, किसी और मुल्क में फौजी तनसीबात पर हमला कीनी का माहौल बना दिया जाए। £190 मिलियन रेफरेंस केस की अदालत जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाए चढ़ियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई के वकला, नए प्रोसिक्यूशन टीम पेश होगी। आज समाअत में मजीद गवाहों के बयान कलमबंद और जिरह होगी। पीटीआई सेक्रेटरीट सील डी सील करने के लिए दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मेट्रोपॉलिटन और दीगर को नोटिस जारी किए। पीटीआई वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि मेट्रोपॉलिटन ने नोटिस और इतला के बगैर दफ्तर सील कर दिया। अदालत ने दलाल सुनने के बाद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोताही ना बरतने की हिदायत। कहा किसी भी शहर का कोई सफाई से महरूम ना रहे, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। लाहौर और सरगोधा समेत मुतअद्दिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने के वाले 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन का 41 आजाद अराकीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरखास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद पर लितोलाल से काम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे लिखा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आइनी इकदाम का जवाब देना होगा। बन्नू वाके की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरखास्त देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा अपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाजे कर दिया
कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा, कार्रवाई हुकूमत करेगी। गैर सरकारी मुसल्ला अफराद के खिलाफ एक्शन पुलिस और सीटीडी लेगी। सरहदी इलाकों में ज़रूरत पड़ी तो फोर्सेस की मदद ली जाएगी। अमन कमेटी के बेशतर मुतालबात भी मान लिए गए। अमन कमेटी ने ऑपरेशन की मुखालफत की थी। पुलिस को बाख्तियार बनाने और मुतासर इलाकों में रात के वक्त गश्त बढ़ाने के मुतालबात किए गए थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए, गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी भी मौतल। बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। हरीपुर समेत हज़ारा डिवीज़न में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर बाइडन की ओवल ऑफिस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जंग बंदी के लिए जोर। बोले कि सदारती दौड़ से अलग होने के बावजूद जंग बंदी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता 50 साल से इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। बाइडन की बकिया मुद्दत सदारत में उनके साथ काम जारी रखूंगा। उधर बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे।